हेलो नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके बहुत ही प्यारे चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग बिहार बोर्ड के लिए एक टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, जो कि आप लोग ऐसे अपने आप का अनुमान भी लगा सकते हैं कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। एक ये जो सीरीज चल रहा है, ये बिहार बोर्ड पुलिस के अलावा किसी भी वन डे एग्जाम जैसे SSC रेलवे आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है, ये आप देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारतीय तट रेखा की लंबाई जो है, जो यानी तट रेखा कहने का मतलब जो समुद्री सीमा लगता है उसका लंबाई कितना है, तो वो है 7516 किलोमीटर। कितना? 7516। और एक चीज़ बताइएगा आप लोग कि सबसे ज़्यादा कोस्टल बॉर्डर लाइन यानी जो भारतीय तट रेखा सीमा लगता है किस देश का है, सॉरी किस राज्य का है। उसके बाद देखिए, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह भारत में होता है। कहाँ? भारत में। उसके बाद ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन? बेरी बेरी नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिए कि जो विटामिन सी होता है ये ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है, तो दूध कैसा होता है, लबो लबो मीठा ही माना जाता है, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होगा, विटामिन सी नहीं होगा। उसके बाद विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। उसके बाद किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, जैसे अगर किसी में विटामिन के अगर नहीं बनना है तो अगर कहीं कट गया तो उसका खून रुकेगा ही नहीं, ठीक। उसके बाद है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से बांझपन नामक रोग होता है। कौन? बांझपन। उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड। किसका? विटामिन सी का। और इसकी कमी से नामक कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में जो घुलनशील है यानी फैट में जो घुलनशील विटामिन है वह है विटामिन ए और ई। ए और ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। वहीं बात करें तो वाटर में कौन कौन सा घुलनशील विटामिन है यानी पानी में, तो आप लोग याद रखिए WBC यानी वाटर में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है, बी और सी। और वसा में ऐसे विटामिन होता है घुलनशील KEDA। KEDA किस में होता है, फैट में यानी वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि पानी में कौन सा है, बी और सी है, ठीक। उसे साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है वो है NaCl, ठीक। उसके बाद है कि हंसाने वाली गैस का नाम यानी लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, तो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड का कहा जाता है, हंसाने वाली गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, धुवन सोडा और खावा सोडा में थोड़ा अंतर होता है, मतलब कन्फ्यूज होता है स्टूडेंट जनरली। तो धुवन सोडा है, तो धुवन सोडा का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, और जो खाने वाला सोडा है उसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट किसके लिए है, धुवन सोडा का रासायनिक नाम है। उसके बाद है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है, तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो इसके लिए इस पीतल को क्या कहता है, क्या कहा जाता है, कॉपर कहा जाता है ना। कॉपर किससे मिलकर बना होता है, सॉरी पीतल किससे बना होता है, पीतल मिला होता है तांबा और जस्ता से, ठीक है। तो यहाँ पर तांबा और जस्ता से किसका बनता है, पीतल, इसको कहा जाता है कॉपर और जिंक से, यानी तांबा को कॉपर और जिंक को जस्ता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो काजी यानी कॉपर जिंक, कॉपर और जिंक से क्या बनता है, पीतल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो कैल्सिफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है, तो कोई नेत्रदान कर रहा है तो उसका कौन सा भाग लिया जाएगा, तो लिया जाता है कॉर्निया। कौन सा भाग लिया जाता है, कॉर्निया। उसके बाद है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कौन सा विटामिन में, विटामिन B12 में। उसके बाद कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो
कोशिका का पावर हाउस माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, किसको, माइट्रोकॉन्ड्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, यानी आरबीसी का निर्माण हम लोग को अस्थि मज्जा में होता है यानी बोन मैरो में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके लिए ट्रिक याद रखिए कि हर महीना में 30 या 31 दिन होता है, लेकिन फरवरी का जो फरवरी में ही 28 दिन होता है, यानी कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होगा, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। उसके बाद ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, देखते हैं ना जो प्रेस करके जो मापता है, तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर, क्या कहा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो रोम। परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम, यानी ROM, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, कहाँ का अधिवेशन था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन, जिसको कहा जाता है नरम दल और गरम दल। लाल बाल पाल किसमें थे, गरम दल में थे। 1907 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हो गया था। उसके बाद कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनाया था, राजा प्रथम चोल शासक ने बनवाया था। उसके बाद मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अकबर का जन्म जो है अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, कहाँ, अमरकोट के दुर्ग में, जहाँ जहांगीर भाग के गया हुआ था। उसके बाद वर्ष 2014 का ये देखिए थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे, वर्ष 2014 का इसको रहने देते हैं। उसके बाद संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ अगर बैठक करवाना पड़े तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, कहाँ के अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा के, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कर सकता है। उसके बाद भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा पहलका जो थे वह थे GB मौलंकर, यानी गणेश वासुदेव मौलंकर। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, अगर मनी बिल के बारे में अगर जो भी फैसला है वो लोकसभा के किया जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, आप सभी को पता है। उसके बाद हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी पर बसा हुआ है, मूसी नदी पर। उसके बाद विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वह है मैक्सिको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे छोटी देश कौन सा है, तो नाम है उस देश का वेटिकन सिटी, कौन, वेटिकन सिटी। उसे स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सा है, यानी दादरा और नगर हवेली की राजधानी पूछ रहा है, तो वह है सिलवासा। और एक चीज, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो आपको मालूम होगा कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य हम लोगों का कौन सा होता है, मैप है पीछे, आप लोग अपना अपना कमरे में मैप जरूर लगाइएगा, तो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है राजस्थान। उसके बाद पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, कब, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में नवनिर्मित दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है, यानी दक्षिणी सूडान की राजधानी पूछ रहा है, तो वह है जूबा, कहाँ, जूबा। उसके बाद योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नीति आयोग, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बाय, टेक केयर, और मन से पढ़ाई कीजिए।